लेकिन सर एक और भी बात है, हमने एक तस्वीर भी देखी थी, वो तस्वीर दिखाना चाहेंगे मेरा पीसीआर अगर तैयार हो। सदन में हमने आपको दोनों को गुस्से में देखा, लेकिन जरा लेके आइए वो तस्वीर अगर हो पाए। और अगले दिन एक तस्वीर वायरल होती है, जरा ये तस्वीर देखिएगा। मैं मानता हूँ ये तस्वीर जो थी वो बड़ी इंटरेस्टिंग थी, महाना साहब के घर की तस्वीर है, जरा प्ले ऑन करिए उसको वो तस्वीर। और ये तस्वीर एक ये देखिए, अब ये तस्वीर जो मैं देख रहा हूं इसके पीछे की कहानी क्या है। एक दिन पहले बड़ी नाराजगी, और ये देखिए जरा तस्वीर, ये है कि दोनों ने एक साथ खाना नहीं खाया, एक ही जगह बुलाया गया था, एक ही समय पर बुलाया गया था, लेकिन खाना अलग अलग खाया दोनों ने। नहीं लेकिन फिर इतना मुस्कुरा कैसे रहे? क्योंकि मैंने उनसे कहा कि हम लोग अपना बर्तन लेकर के नहीं आए खाना खाने के लिए। अखिलेश जी, लोग कहते हैं कि सड़क पे आप लोगों का झगड़ा होता है और यहाँ पर आप दोनों इतने मुस्कुराते हैं। नहीं वो बात, स्पीकर ने कुछ बात ऐसी कही होगी, लगता है उसी वजह से हंसे हैं, क्योंकि स्पीकर का सब सम्मान करते हैं। अच्छा मुझे एक और चीज बताइए, सियासत की हम बात कर रहे हैं, थोड़ी देर पहले आपने जिक्र भी किया, आप मुझे पता है क्रिकेट अच्छा खेलते हैं, लेकिन आपने कहा कि योगी जी हर गेंद पर, आपने कहा योगी जी क्रिकेट खेलने की चुनौती देता हूँ, आप कह रहे हैं कि योगी जी की हर गेंद पर सिक्सर मार देंगे, ये क्या था सर? नहीं वो थोड़ा कन्फ्यूजन मुख्यमंत्री जी को हो गया, मैं क्रिकेट के छक्के की बात कर रहा था, वो किसी और को छक्का समझ लिया। अच्छा मैं आपको जरा वो वीडियो दिखाता हूँ, आइए पहले जोरदार तालियां हो जाए, क्योंकि मैं आपको एक बड़ा इंटरेस्टिंग वीडियो दिखा रहा हूं। जिस वीडियो का काफी आप मजाक उड़ा रहे थे, पहले वो वीडियो देखिए जरा यहां पर। अखिलेश जी वैसे उसमें दिक्कत क्या है? नहीं नहीं अच्छा टेनिस बॉल हो और दो टप्पे के बाद आप मार नहीं पा रहे तो क्यों खेलने जा रहे हो? और यही नहीं है फुटबॉल मैच, यहाँ जितने नौजवान बच्चे हैं या जो फुटबॉल में रुचि रखते होंगे, फुटबॉल मैच ऐसे नहीं देखा जाता है अकेले बैठ के आप फुटबॉल मैच देख रहे हैं, अपने दोस्तों के साथ बैठ के देखते हैं, कोई ना कोई किसी टीम को सपोर्ट करते। तब हमारे मुख्यमंत्री जी, क्योंकि सोशल मीडिया पे फोटो डालनी थी, उन्होंने टीवी ऑन किया और अपना मैच की तस्वीर खिंचवा दी, उसके बाद जाके सो गए, उन्हें ये भी नहीं पता कि बाद में मैच में हुआ क्या था। नहीं लेकिन वो कहते हैं कि हम क्रिकेट भले ही अच्छा ना खेलें लेकिन सरकार अच्छे से चला रहे हैं। क्या सरकार अच्छे चला रहे हैं, सड़कों पे सांड घूम रहे। अच्छा ये बताइए ये क्रिकेट मैच की चुनौती मानी कि नहीं मानी उन्होंने? नहीं वो क्योंकि उनका क्षेत्र नहीं है, क्योंकि मैं उस क्रिकेट को इसलिए कह रहा था कि यूपी में सबसे अच्छा स्टेडियम हमने बनाने का मौका मिला और रिकॉर्ड टाइम में बनाया। इसमें आज IPL या इंटरनेशनल मैचेस हो रहे हैं, आपके 5 साल गुजर गए, आपने कोई इंटरनेशनल स्टेडियम नहीं बनाया। मैंने कहा अपने यहाँ बना लेते, बनारस में बना देते, अब शायद बनाने जा रहे होंगे, तो कम से कम स्पोर्ट्स की फैसिलिटी तो क्रिएट कर देते। अच्छा अब मैं आपको एक और शॉट दिखाता हूँ, ये एक और वीडियो दिखाता हूँ, ये है अखिलेश जी का वीडियो, जरा दिखाइए क्रिकेट का, वहाँ पे टेनिस बॉल नहीं है लेकिन ध्यान से देखिए। आप आउट हो गए तो लोग कैच छोड़ रहे हैं, आप आउट हो गए तो नो बॉल दे दी एम्पायर ने, बीजेपी कहती है मैच फिक्सिंग कर रहे हैं अखिलेश जी। यही सरकार चलाने का तरीका होता है कि कब उनसे नो बॉल उलवानी है। नहीं लेकिन एक बात बताइए तो ऐसे फिक्स करके खेलेंगे कैसे आगे? नहीं नहीं अब नो बॉल है तो नो बॉल है, उसमें मैं क्या कर सकता हूँ, एम्पायर नो बॉल बोल रहा है। ठीक है अब मैं आपसे एक चीज पूछना चाह रहा हूँ, वो ये है कि योगी जी आजकल आपके चाचा शिवपाल जी का काफी तारीफ कर रहे हैं, काफी सदन में भी उन्होंने तारीफ की, क्या परिवार में फूट डालने की कोई कोशिश तो नहीं है? नहीं अब ऐसा नहीं होगा, अब ऐसा नहीं होगा, कोशिश की थी उन्होंने, अब संभव नहीं है। कोशिश की थी उन्होंने? हाँ कोशिश की थी बीजेपी के लोगों ने, और ये तो सदन में भी ऑन द फ्लोर ऑफ हाउस ये बात आ गई थी कि मुख्यमंत्री जी कई बार मिले थे, उनकी कोशिश थी लेकिन अब उस प्रयास में सफल नहीं होंगे। सब एक साथ एकदम सब ठीक, सब अच्छा होगा। आप जब ये कह रहे हैं तो आपके चेहरे पर एक वो जो सेंस ऑफ रिलीफ और एक कॉन्फिडेंस साफ देखने को मिल रहा है, और ये हुआ कैसे? अच्छा सर
देखिए कोशिश करने से सब कुछ अच्छा होता है, और मुझे अच्छी बात है कि मैनपुरी का इलेक्शन था और नेताजी के ना रहने पर इलेक्शन था, तो सब बातें ख़त्म करना ही ठीक था। एकदम से सब खत्म हो गया, सब बात खत्म हो गई। ये अच्छी, इसमें जोरदार तालियां हो जाए जरा। लेकिन लेकिन अब कहानी में ट्विस्ट है अखिलेश जी, आप बीजेपी में फूट डालने की कोशिश कर रहे हैं ये वो आरोप लगा रहे हैं। मैं आपको एक ट्वीट दिखाता हूं, फिर से जरा वहां जाना पड़ेगा। 18 मार्च को समाजवादी पार्टी की मीडिया सेल से एक ट्वीट किया गया, बाद में शायद इसको डिलीट भी कर दिया गया अगर मैं गलत नहीं हूं। प्ले ऑन करिए इसको यहां पर, ये देखिए जो ट्वीट है वो मैं आपको दिखाना चाह रहा हूं। जो ट्वीट है उसमें आया कि कंटेंट मैं आपको बताना चाह रहा हूं, उसको जरा प्ले ऑन करिए। मौर्य प्लस पाठक प्लस पटेल प्लस राजभर प्लस निषाद, साथ में सपा के 100 विधायकों का साथ, मिलाओ हाथ मिलकर बनाई अपनी सरकार। अखिलेश जी नहीं, असल में दरअसल ये है कि लखनऊ के सर्कल्स में जी ये बात निकल कर के आ रही है कि कई लोग इस प्रयास में हैं कि वो मुख्यमंत्री बन जाएं। तो अगर इस तरह की बात हम लोगों को सुनने को मिलती है तो हमारी तो जिम्मेदारी बनती है विपक्ष के नेता हैं कि चलो उसकी मदद की जाए। अखिलेश जी, अब मैं एक सवाल आपसे पूछता हूँ। काम बोलता है ये नारे से शुरुआत होती है और फिर आइए आ जाता है गर्व से कहो हम शूद्र तक शूद्र हैं, ये सब क्यों? ये इसलिए कि मैं एक बार मैं एक्सप्रेस वे पर चल रहा था, वॉशरूम के लिए मैं रुका एक जगह वेसाइड एमिनिटीज पर, तो मैंने एक नेता से पूछा ये बताओ ये एक्सप्रेस वे किसने बनाया है। मेरे 3 बार पूछने के बाद भी उसने नहीं बताया, उसको पता था किसने बनाया है, मैं नहीं बताया उसने। नेता कौन सी पार्टी का था? बीजेपी का। और लखनऊ की मेट्रो, लखनऊ से बेटर एजुकेटेड एलीट क्लास कहाँ मिलेगी आपको? जिस जगह मेट्रो चल रहा है उसी जगह हम हार जाएं, तो इसका मतलब ये कि मैं गलत कर रहा हूँ, गलत सोच रहा हूँ कि मेट्रो से वोट मिल जाएगा। हमारे मुख्यमंत्री जी ने उस मेट्रो को आगे नहीं बढ़ाया, एक अधिकारी उनसे मिला और 10 बार मिला वो कि मेट्रो का आगे का एक्सपेंशन कर दो। उन्होंने कहा कि मेट्रो से वोट मिलते हैं क्या? अगर मेट्रो से वोट मिल रहे होते तो समाजवादी पार्टी सरकार में होती। नहीं, लेकिन क्या तो ये बात थोड़ी देर में समझ में आई मुझे। और मैं बात ये कहना चाहता हूं, ये आरोप जो लगाते हैं कि हम जातिवादी हैं, सच्चाई ये है कि सबसे ज्यादा जातिवादी पार्टी अगर कोई है तो वो भारतीय जनता पार्टी है। नहीं, लेकिन तो मुझे एक बात बताइए, क्या आप ये कह रहे हैं कि काम से वोट नहीं मिलता है, जातिवाद करने से वोट मिलता है? जब मैं काम कर रहा था, मेरा पूरा इलेक्शन कैंपेन देख लें आप, मैंने लैपटॉप बांटे, उन्होंने कहा यादवों को दे दिया, हमने कहा सूची बताओ कहां यादवों को दे दिया हमने, हमने ये सड़क बनाई, बोले यादव के लिए सड़क बनाई। लेकिन अखिलेश जी, अगर आप इसको ऐसे समझ रहे हैं तो अगर अखिलेश जी अगली बार आएंगे तो फिर वो काम नहीं करेंगे, जातिवाद पे ध्यान देंगे? नहीं नहीं, हम काम ज्यादा करेंगे, क्योंकि आपने ये कहा कि देखिए कुछ सच्चाई है उसको स्वीकार करना पड़ेगा। क्या सच्चाई है? सच्चाई ये है कि भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से जात के आधार पर फैसला लेती है कि किस जाति को कहाँ टिकट देना है, इस जाति के लोगों को तोड़ना है, इस जाति से गाली खाने के बाद भी इसको बैठाना है। उदाहरण देता हूँ मैं, उत्तर प्रदेश के एक रीजनल पार्टी के नेता हैं, वो पहले बीजेपी के साथ थे, फिर समाजवादी पार्टी के साथ आ गए, फिर बीजेपी के साथ चले गए। जब वो बीजेपी के साथ चले गए तो हमें क्या कहते हैं, और जब हमारे साथ थे तो बीजेपी को क्या क्या कहते थे वो? ठीक है, तो आखिरकार बीजेपी क्यों सम्मान दे रही है? बीजेपी इसलिए सम्मान दे रही है कि उसे कुछ जातियों का वोट चाहिए। ठीक है, आप जो बता रहे, मैं ऐसे ही आपको एक नेता के बारे में एक बयान सुनाता हूँ, मतलब उनका एक बयान सुनाता हूँ, जो पहले बीजेपी के साथ थे कुछ नहीं कहते थे, लेकिन जब आपकी पार्टी में आए तो बहुत कुछ कहने लग गए। सुनाइए जरा, और स्टूडियो का वॉल्यूम ऑन रखिएगा। बोल कुमार शूद्र पशु नारी, यानी शूद्र पशु तो समझ में आता है, शूद्र और नारी यानी समग्र शूद्र समाज, जो हिंदू धर्म का चातुर्वर्ण है शूद्र, जिसमें आदिवासी दलित पिछड़े सब आते हैं, और सभी आबादी की आधी आबादी महिला नारी, इनको दंडित करने का प्रावधान किया गया। हम उन आपत्तिजनक तथ्यों को बैन करना चाहिए जिससे कि तमाम जाति वर्ग विशेष के लोगों को इंगित करते हुए अपमानजनक टिप्पणियां की गई। अखिलेश जी, सीधा सवाल, आप इस बयान से सहमत हैं या नहीं है? देखिए
मैंने कई मौक़ों पर कहा, मैं ये बात कह सकता हूँ और कहता हूँ कि रामचरितमानस को हम लोग मानते हैं, हमें कोई उससे शिकायत नहीं है। लेकिन अगर कोई चीज़ गलत लिखी हुई है, आप सोने की तख्ती पर भी लिख करके मुझे दे दोगे तो मैं गलत को स्वीकार नहीं करूँगा। आप अगर ये कहें आपने मीनिंग बदल दिया, वो मैं समझ सकता हूँ कि आपका जो एक्सप्लेनेशन था, आपका जो एक्सप्लेनेशन था या आपने बड़े बड़े गुरु संतों से जो एक्सप्लेन कराया कि ताड़न का मीनिंग क्या है, अवधि में ताड़न को ये माना जाता है, अवधि में ताड़न को ये कहा जाता है। लेकिन अगर हम सामान्य रूप से वो कहें, ताड़न का मतलब ये नहीं है, ताड़न का मतलब ये नहीं है, ताड़न का मतलब कुछ और है। क्या चलिए शूद्र कहाँ से निकल करके आते हैं, शूद्र कैसे पैदा होते हैं, आज तक साइंस को समझते हैं, क्या शूद्र वहाँ से पैदा होते हैं? वो समय अलग था। अगर उस समय की गलती हुई कोई, तो इसीलिए मैंने कहा अगर हमसे आगे तरक्की किए हुए देश, वो समाज जो हमसे कई चीज़ों में आगे है, अगर वो अपनी गलती स्वीकार कर रहा है, जो चर्च की गलती थी वो स्वीकार कर रहा है, तो हमारे लोगों को भी गलती स्वीकार करनी चाहिए। अच्छा, लेकिन अगर मैं जिक्र करूं मोहन भागवत जी ने, उन्होंने कहा कि उनका बयान आया, उन्होंने कहा धर्म घंटों की समीक्षा होनी चाहिए, उन्होंने तो बहस ही खत्म कर दी। ये बयान थोड़ा कमजोर दिख रहा है, इससे पहले वाला बयान और बड़ा अच्छा है, वो आप पढ़ दीजिए। आप मुझे बता दीजिए एक बार। मुझे याद नहीं है, उन्होंने कहा ये जो व्यवस्था बनाई है वो ब्राह्मणों ने बनाई है। अब ब्राह्मण स्वीकार कर ले इस बात को, लेकिन उन्होंने ब्राह्मण का मतलब क्लियर किया था, वो ज्ञानी बोला था उन्होंने। तो ताड़न का मतलब भी जो आप एक्सप्लेन करना चाहते हैं वो नहीं है। यस और नो शुरू करेंगे, अनदर अच्छा है। अच्छा, यस और नो। मैं आपसे एक और चीज पूछना चाहता हूँ। आपने कहा कि योगी आदित्यनाथ से पूछना चाहिए कि आप शूद्र हैं नहीं, क्या मिलेगा आपको ये पूछकर? मुझे मन की संतुष्टि मिलेगी। अच्छा, मैं मन की कभी भी जवाब नहीं देंगे। अच्छा, आप समीर एक सवाल पूछना चाह रहे थे, समीर बताइए। अखिलेश जी, अभी ऐसा लग रहा है कि ऑपोजिशन की अलग अलग पार्टियां जो हैं वो एकला चलो रे की नीति पर चल रही हैं। राहुल गांधी की सदस्यता खत्म हो गई, क्यों खत्म हुई हम सबको पता है। 2019 के लोकसभा चुनावों के दौरान उन्होंने एक रैली में ये बातें कही थी, जब उन्होंने मोदी समुदाय को एक तरह से घेर लिया, नरेंद्र मोदी को घेरते घेरते। हम अक्सर देखते हैं चुनाव प्रचार के दौरान ऐसी तीखी बयानबाजियां होती हैं, तो आज ये कांग्रेस पार्टी के किसी नेता के साथ हुआ है, कल को किसी और पार्टी के नेता के साथ हो सकता है। तो आप लोगों को नहीं लगता कि अगर जनता के सामने एक मुद्दा जोर शोर से रखना है तो आप लोगों को उसके लिए एक प्लेटफॉर्म पर तो आना होगा? वो प्लेटफॉर्म पर जबरदस्त बिखराव नजर आता है अलग अलग पार्टियों में। ये तो राहुल गांधी जी ने इस मंच से कहा था, ये तो उन्होंने मंच से कहा था, लेकिन हमारे मुख्यमंत्री जी ने ऑन द फ्लोर ऑफ हाउस कहा कि 46 में 56 यादव हो गए। अरे हम तो चाहते हैं इनकी भी सदस्यता ले लो, इन पे भी केस हो जाए, इन पे भी सदस्यता चली जाए। 46 में 56 एक ही जाति के हो गए लोग, लेकिन आज भी जवाब नहीं मिला। जहाँ तक सवाल दलों का एक होने का है, मुझे उम्मीद है, पूरा भरोसा है कि समय आने पर सभी दल एक साथ होंगे, कोई ना कोई इस तरह का प्लेटफॉर्म बनेगा जिसमें सभी खड़े दिखाई देंगे। ओके, अखिलेश जी, अब हम इस शो के लास्ट पड़ाव में हैं, रैपिड फायर है। आपके बगल में ये देखिए एक प्ले कार्ड है, आप यस या नो से जवाब दे दीजिएगा। अगर आपका जवाब नहीं है तो आप स्ट्रेट भी रख सकते हैं उसको, और सामने कैमरा में आप, आपका जो कैमरा है वो जो कैमरा यहाँ पर पॉइंट करें उसमें आपको देख के, ये सामने वाला इधर अखिलेश जी ऑन योर लेफ्ट, यहाँ पर ये है आपका कैमरा सर। और मैं आपसे सवाल पूछूंगा और इन सवालों पे मैं चाहूंगा हर एक सवाल पे जोरदार ताली होनी चाहिए। सबसे पहला सवाल, सनातन धर्म में ब्राह्मणों का वर्चस्व खत्म होना चाहिए, हाँ या ना? कोई जवाब नहीं हमारे पास। सर ये कैमरा आपको थोड़ा ऐसे करना पड़ेगा वरना ये यस दिख रहा है। नहीं, मैंने कहा इस पे जब, क्योंकि मैं क्वालिफाइड और उस लेवल पे नहीं हूँ, मैं आरएसएस का प्रमुख नहीं हूँ जो मैं इस तरह की बात कह सकूं। बहुत ग्रेसफुली आपने जवाब दिया है।
अब अगला सवाल, स्वामी प्रसाद मौर्य को रामचरितमानस पर दिए बयान के बाद माफी मांगनी चाहिए? नहीं, उन्होंने रामचरित यस और नो, अच्छा अच्छा नहीं, मैं एक्सप्लेन इसलिए करूंगा क्योंकि बात वो आनी चाहिए, बिकॉज़ yes no ये यूपी इलेक्शन के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट बातें हैं। ठीक है, ठीक है, मैं ये कहना चाहता हूं, उन्होंने रामचरितमानस और भगवान श्री राम के लिए कुछ नहीं कहा, लेकिन उसमें जो चौपाई है, महिलाओं के लिए क्या कहा गया है, शूद्र के लिए क्या कहा गया है, या और लोगों के लिए क्या कहा गया, क्या हमें जानवर की कैटेगरी में खड़ा कर देंगे आप? तो इसलिए मैं उस लाइन के लिए सहमत हूं कि अगर उन्होंने विरोध किया है तो ठीक किया है विरोध। अच्छा, आप अच्छा ठीक है, ओके। अब 2024 में विपक्ष का चेहरा गैर कांग्रेसी होना चाहिए, अखिलेश जी, यस और नो? वो कैमरा सामने, यस, ओके। नरेंद्र मोदी को सिर्फ ममता बनर्जी हरा सकती हैं, यस और नो? वरुण गांधी का समाजवादी पार्टी में स्वागत है। मायावती बीजेपी के एजेंडे पर काम करती हैं। समाजवादी पार्टी अमेठी रायबरेली से उम्मीदवार उतारेगी? वो बातचीत करेंगे हम लोग, बातचीत करेंगे, बातचीत। ठीक। अखिलेश यादव ओवैसी से चुनावी समझौते के लिए तैयार हैं। जनसंख्या कानून और कॉमन सिविल कोड देश की जरूरत है, इसमें पढ़ाई की ज्यादा जरूरत है। क्या बात। अखिलेश यादव जनवरी 2024 में राम मंदिर के दर्शन के लिए जाएंगे? मैं जाऊंगा और दक्षिणा भी देकर के आऊंगा। अखिलेश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका, थैंक यू वेरी मच। इसके साथ मैं जोड़ूंगा बिल्कुल कि हम भी दो मंदिर बनवा रहे हैं, जिन लोगों ने चंदा राम मंदिर में दिया है तो हमारे भगवान को भी दे दें थोड़ा। क्या बात, जोरदार तालियां हो जाए। बहुत बहुत शुक्रिया अखिलेश जी का, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच।